हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक फिर से न्यू व्लॉग लेके मैं आ गई हूँ। तो आज संडे है और आज इसलिए थोड़ा सा लेजीनेस सुबह से लगता ही है संडे के दिन, तो थोड़ा लेट से उठी हूँ। आज मैं 9 बजे उठी हूँ। वैसे एक्चुअली मुझे मार्केट भी जाना था सब्जी लेने, लेकिन इतना लेट हो गया। फिर 9 बजे उठने के बाद ही मैं शूफल में जाके सब्जी लेती हूँ, तो वहाँ पर कॉल की तो वो लोग बोले कि आज सब्जी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है। और तो सोची कि अभी फिर वहाँ जाके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ख़त्म होने को आया है तो अच्छा कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए मैं उसको बोल दी कल के लिए रखने के लिए। बट अभी आज जो थोड़ा सा सब्जी चाहिए घर में, तो इसलिए मैं थोड़ा देर में जाऊँगी। बगल में एक मार्केट है तो वहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा करके लेके आऊँगी। अभी 10:30 बज रहा है, अभी तक मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है। टुम्पा भी आज लेट से आई है। सुबह सुबह मैं एवरीडे ये गर्म पानी में, मतलब ल्यूक वार्म वाटर में नींबू, थोड़ा सा नींबू डाल के फिर मैं पीती हूँ ये वाला। तो अभी मैं यही पी रही हूँ, इसके बाद अभी थोड़ा सा मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी। मैं फ्रेश भी हो गई, बस ये पानी पी के फिर ब्रेकफास्ट करके फिर मैं निकलूँगी। ये रोटी और ये है आलू पोस्तो और ये है एग करी, तो ये है ब्रेकफास्ट। तो करके बस जल्दी से अभी मार्केट जाना है। मेरा तो खाना हो गया और यहाँ पे अभी मिल्कू का भी ब्रेकफास्ट हो रहा है। अशोक है ना, मैं जा रही हूँ मार्केट। तो जैसे मैं बोली, यहाँ बगल में ही है आमरी हॉस्पिटल के बगल में एक मार्केट जैसा है छोटा सा, तो वहीं पे मैं जा रही हूँ। और इतना लेट से मैं निकली हूँ, बहुत ज़्यादा धूप आ गया है। ये मैं बैग भी ले ली हूँ, इसी बैग में लेना है सब्जी। और बहुत ज़्यादा धूप आ गया है, अभी 11:30 हो रहा है। तो ठीक है, जल्दी से मैं वहाँ मार्केट तक पहुँचती हूँ, फिर क्या क्या ले रही हूँ ये भी दिखाऊँगी। तो अभी मैं अकेली ही निकली हूँ, हाथ में बैग है और आते टाइम भी हाथ में बैग रहेगा, सामान भी रहेगा, तो इसलिए वापस आते टाइम और व्लॉग नहीं कर पाऊँगी, तो फिर मुश्किल होता है कैमरा और बैग सब कुछ पकड़ना। हाफ किलो कुड़ी टेका, हाँ ढेले दाओ, हाफ किलो टोमेटो दाओ, बैगन दाओ हाफ किलो। ये मैं ले ली हूँ सब सब्जी, बहुत ही भारी हो गया है। घर पे आके यहाँ पे रख के ही फिर मैं वीडियो ऑन की। इतना भारी हो गया था बैग। वैसे मैं ज़्यादा सब्जी नहीं लाई हूँ, कम ही लाई हूँ, मतलब 3 दिन का हो जाएगा इसमें। दरजाटा खोलो। और यहाँ मिल्कू आ गई थी। मिल्कू ऐसे गेची, आज इसको मैं लेके नहीं गई थी मार्केट, तो इसलिए गुस्सा गई। अब मैं पैदल गई हूँ, इसलिए जब शुफल जाती हूँ तो इसको ले जाती हूँ, क्योंकि गाड़ी से जाती हूँ ना, तो इसलिए छोड़ो, खोलो गेटा, चलो 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 मिल्कू, ये की ये सब्जी আছে, চলো সবজি খাবে, सब्जी तो खाबे ना। साल बुल्टी का शादी का बात चल रहा है, तो इसीलिए हम लोग, मतलब डेट अभी पूरा फिक्स्ड नहीं है, बट टेंटेटिव एक दो डेट हम लोग, मतलब बात हुआ है, मार्च में डिसाइड हो रहा है, तो 1-1.5 साल पहले से ही बुकिंग हो जाता है। पूछने जाएंगे, एक हॉल है बगल में ही शादी का, तो वहाँ पे पूछने जाएंगे कि उसमें खाली है कि नहीं, कैसा चार्जेस, ये सब सब पूछने के लिए, थोड़ा डिटेल बातचीत करने के लिए। ये बुल्टी के यहाँ आई हूँ, देखती हूँ कब निकलेगी, क्योंकि 12 बजे से करके निकलने का बोले थे, तो अभी तो ऑलमोस्ट 12 बजने में 10 ही मिनट बाकी है, तो देखती हूँ। 12 बजने को आया है और अभी तक बुल्टी जस्ट सो के उठी है। इटा कत नम्बर बार चा हलो? अभी शुरू हलो चा देवा। दे दे बाड़ी ते आके एक बार। हमा खा के से दूर। ती हमा के तुलिस ना। एक दाबो। हाँ, एक टा कॉपी ही दाओ। तो यहाँ पे आई हूँ आलू लेने, क्योंकि उस टाइम जो जहाँ पे गई थी वो आमरी के बगल में, तो वहाँ से ऐसे ही बैग भारी हो गया था, तो आलू लेके आने में और भी दिक्कत होता, तो यहाँ से आलू ले रही हूँ। और एक गोभी भी ले ली, देखिए अच्छा है, वहाँ पे तो ऐसे भी ख़त्म होने को था। और यहाँ पे थोड़ा गाजर भी मुझे लेना है। गाजर का तो करेगा बुल्टी, वहाँ पे सब्जी उठाने लग गई है, पता नहीं क्या निकाल रही है वहाँ से, कुछ देख देख के निकाल रही है सब्जी, आई थिंक प्याज ले रही है। गाइस, तो अभी निकल रही हूँ, जा रही हूँ वही ढाकुरिया में, थोड़ा रेस्ट कर रही थी क्योंकि अचानक मुझे थोड़ा सा चक्कर आने लग गया था, इतना धूप है ना, और गर्मी में इतना धूप में निकलने से मुझे थोड़ा सा ऐसे चक्कर जैसे आने लगता है। तो ठीक है, अभी जा रही हूँ ढाकुरिया। हाँ ना, जस्ट ब्रिज के उस पर ही जाना है, बट इतना धूप है अभी, और अभी ऑलमोस्ट 1 बज रहा है, तो इतना धूप है इसलिए गाड़ी से ही जा रही हूँ, क्योंकि पैदल जाऊँगी तो फिर से चक्कर आने लगेगा इतना धूप में, तो अभी निकलते हैं। फेब्रुअरी एंड है, तो अभी इतना धूप और इतना गर्मी, पता नहीं फिर मार्च अप्रैल में क्या होगा। बलून से गेट सज, ये वाला जो हॉल है इसका नाम है इमिल दत्त,
तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे देखिए अंदर में ये वाला है पार्किंग एरिया, तो यहीं पे मैं अपना गाड़ी भी पार्क कर दी हूँ। गेट से अंदर आके ही यहाँ पे ऑलमोस्ट 12-13 कार्स एक बार में पार्क हो जाता है। तो यहाँ पे ये पार्किंग जोन है और बिल्डिंग अभी तो सजा हुआ नहीं है क्योंकि अभी कोई ओकेशन तो है नहीं, तो जब सजा हुआ रहेगा तभी मैं आके करूँगी। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, ये ऑफिस है यहाँ पे ही और ये है पूरा बिल्डिंग, मैं एक बार बाहर से दिखा दे रही हूँ। तो ये है बिल्डिंग, इसमें एकदम छत पे वहाँ पे कुकिंग का स्पेस है और अंदर का स्पेस भी बहुत बड़ा है क्योंकि पहले ही हम लोग आके देखे थे। तो जब सजा हुआ रहेगा जिस दिन, उस दिन आके फिर से एक बार मैं वीडियो करके दिखाऊंगी। और ये अभी ऑफिस में जा रही अंकल से बात करने के लिए। तो हम लोग का यहाँ पे बात हो गया है, डिटेल्स में सब बात कर ली, तो उतना देर तो पूरा वीडियो मैं नहीं की हूँ। तो यहाँ पे ही एक्चुअली सस्ता मिला, गर्मी में पूरा एकदम पक गए हैं, मैंने इतना गर्मी में खाना भी बाहर रख देने से शायद पक जाता खाना। तो ठीक है, अभी जल्दी से अंदर जाती हूँ पापा, और धूप में खड़ी होकर मैं व्लॉग नहीं कर सकती अभी। ठीक है, फिर शाम में मिलते हैं और शायद शाम में थोड़ा सा एक बार फिर से लेक में जाऊँगी, रविंद्र सरोवर उस साइड में जो वो हैंगिंग ब्रिज है ना उस तरफ आज जाने का प्लान बन रहा है, तो वहाँ पे जाऊँगी। और इधर उधर अगर कुछ शॉपिंग के लिए भी जाऊँगी तो वो भी दिखा दूँगी। जन्मदिन गिफ्ट देनी तारपर लेके दे, जन्मदिन तो दो सप्ताह बाद गिफ्ट है। तो ठीक है, ओ बाबा घर आ गई, फेंटा बढ़ा दे रुक। ठीक है, तो एकदम हालत ख़राब हो गया गर्मी में, अभी जल्दी से जाती हूँ नहा कर फ्रेश हो जाती हूँ, फिर शाम पे जब जाऊँगी तब फिर और ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। अभी के लिए ब्लॉग बस अभी स्टॉप करिए, फिर शाम पे करती हूँ। घर आके ये अभी जल्दी से लंच कर ले रही हूँ, तो यहाँ पे चावल, आलू पोस्तो और मछली फ्राई है और दाल है। अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से लेक, तो वहाँ पे जो वो हैंगिंग पूल है उधर साइड में जाना है, तो वो थोड़ा दूर है, मतलब यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर्स ऐसा है उस साइड में जाना है। तो बुल्की बोल रही थी कि पैदल जाना है, बट आज मेरा और अभी एकदम एनर्जी नहीं लग रहा है क्योंकि सुबह में ऐसे जो धूप लग गया था ना इसलिए, और अभी फिर मैं सो भी गई थी तो आज भी बहुत लेट से निकली, आज तो और लेट से निकली, अभी 5:20 हो गया है, तो इसीलिए गाड़ी से जा रही हूँ। तो जिस रोड से गाड़ी जाती है उसी रोड से अभी हम लोग जा रहे हैं, इसीलिए मतलब उस रोड से जाके फिर उधर साइड में एक पार्किंग है तो वहाँ पे गाड़ी को पार्क कर दूँगी और बाकी फिर पैदल चल जाऊँगी, तो इसीलिए अभी जल्दी जल्दी करके जा रही हूँ क्योंकि 6 बजे बंद हो जाता है। हाँ हाँ, बस 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 अब ठीक है। और यहाँ पे ही पार्किंग है तो इसलिए यहाँ पे मैं अपना कार पार्क कर दी वहाँ पे। सामने में ये वाला जो है ये है लेक क्लब, है और जो जो माँ सुखंडा देखिए वहाँ पे वो मछली है। अनेक गुलो इससे बज गया है, तो अभी निकलने का टाइम हो गया है, तो हम लोग को भी अभी देखिए सिक्योरिटी गार्ड आ गया है, बुला रहे हैं, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं बस यहाँ से। फाइनली आके वीडियो कर पाई और देखिए भाई कि बहुत सुंदर लगता है इस टाइम पे, और जब इधर साइड में लाइट जल रही है फिर यहाँ पे उधर साइड में भी उधर दूर में भी लाइट जल रहे हैं, तो ये सब जब मतलब बहुत ही सुंदर, सामने से देखने में तो बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पे मछली भी दिखने को मिल गया है तो बहुत ही अच्छा लगा। तो भले ही आज हम लोग लेट से आए लेकिन फाइनली यहाँ पे आके घूम भी पाए, वीडियो भी कर पाए और फ़ोटो भी लिए बहुत सारा, तो क्योंकि थंबनेल के लिए फ़ोटो तो बनता है। तो चलते हैं फिर गाड़ी में, ठीक है, घर जाके फिर मिलते हैं। सब्जी से मैं चिकन बनाऊँगी जो अभी पापा के लिए बनाऊँगी, तो अभी मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी।
है चिकन और यहाँ पे टुम्पा बना रही है थोड़ा सा फ्राइड राइस। मैं बोली थी आज थोड़ा सा रात में फ्राइड राइस खाऊंगी, तो इसलिए ये एक्चुअली पापा को खाने में अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं ये वाला बना रही हूँ। तो अभी थोड़ा सा जैसे ही ऑयल निकल जाएगा तो इसमें मैं फिर पानी डालूंगी। यहाँ पे सब्जी को थोड़ा सा फ्राई कर ले रही और फिर उसमें चावल मिला के पूरा वेज फ्राइड राइस बनेगा। तो ये मेरा बन गया है चिकन का झोल। ये मैं ज़्यादा मसाला भी नहीं डाली, एकदम ही तीखा भी मैं नहीं डाली हूँ क्योंकि पापा भी तीखा भी नहीं खा रहे। किचन भी पूरा साफ़ हो चुका है, यहाँ पे बाकी का खाना ये यहाँ पे दाल है और पापा के लिए वो वाला चावल है और मिल्कू का भी चिकन है यहाँ पे बना हुआ। बीच में ये मिडल में ये वाला कटोरी में इसमें मिल्कू का खाना है। तो ठीक है, सब कुछ हो गया है और किचन भी साफ़ हो गया है। तो फिर टुम्पा ही सब करके गई है, पूरा दिन का जो भी काम था सब कुछ हो गया है। तो मैं 10 बजे से करके खाऊंगी और पापा को 9:30 बजे खाना दे दूंगी। तो ठीक है, आज का ये व्लॉग फिर यहीं तक है और इसको और नहीं लंबा करना है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर अगला व्लॉग में। आई होप आपको आज का ये व्लॉग देखने में अच्छा लगा हो, तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को आज का ये व्लॉग देखने में। और अगर आप लोग कुछ न्यू कुछ देखना चाहते हो, कुछ ऐसा कंटेंट जो आप लोग देखना चाहते हो, वो भी मुझे बताइएगा। और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय।